क्या होती है कार्बन डेटिंग? ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की होगी कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, कोयला, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना की जा सकती है। इस विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होती हैं उसकी आयु की गणना की जा सकती है। कार्बन डेटिंग विधि की खोज 1949 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लिवी और उनके मित्रों ने किया था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1960 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया था। कार्बन डेटिंग की विधि में कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का अनुपात निकाला जाता है। किसी पत्थर या चट्टान के आयु का पता लगाने के लिए उसमें कार्बन 14 का होना आवश्यक है। अमूमन 50,000 साल पुरानी चट्टानों में कार्बन 14 पाया जाता है। 50,000 से कम आयु वाली चट्टानों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप विधि के माध्यम से उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को आदेश दिया है कि शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें, 10 ग्राम से अधिक हिस्सा उससे न लें। 16 मई 2022 को वसु खाने में मिला था ज्ञानवापी परिसर में यह शिवलिंग। वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। साइंटिफिक सर्वे के आधार पर यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, या वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है। इस मामले में ASI ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट में पेश की। इससे पहले 20 मार्च को हुई सुनवाई में ASI से कोर्ट ने पूछा था क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग की जांच की जा सकती है। ASI ने हाईकोर्ट के समक्ष 52 पेज वाली रिपोर्ट पेश की। इसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट ने बताया है कि अब ऐसे कई माध्यम हैं जिससे शिवलिंग की क्षति पहुंचाए बिना जांच की जा सकती है। हाईकोर्ट ने ASI की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है।